जैसे आप शादी करते हैं और आप सोचते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कि अभी नहीं, 2 साल 3 साल, अभी करियर इम्पॉर्टेंट है या हमें बच्चा नहीं करना है, यू वांट टू, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रोक्रिएटिंग एंड हैविंग चाइल्ड. आप बिना कंजम्पशन के, मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि सोसाइटी को क्या देना है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप शादी के बाद बच्चा करें ही. या जैसे कई कंट्रीज़ में होता है 1 child policy या 2 child policy भी आप कर सकते हैं, अपने लिए सेल्फ इम्पोज कर सकते हैं. खैर, एनी हाउ, टॉपिक से डिफरेंट हो गया ये. अभी हमारा है सवाल कि ऐसे ही आप कैसे सोचें कि आपको आपकी फैमिली में एक सदस्य बढ़ाना है, वो भी 4 पैर वाला, यानी कि यू वांट टू अडॉप्ट अ कैट और अ डॉग और अ रैबिट और अ बर्ड. तो हाउ डू यू नो दैट यू प्रिपेयर टू टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको पेट पेरेंट बनना है ना कि पेट ओनर. आपको मालिक नहीं बनना है, आपको उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखना है, उसका दोस्त बनना है, एक रिलेशनशिप फॉर लाइफ टाइम रखना है, उसको फॉरएवर होम देना है, अबंडन नहीं करना है बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से. देखिए, जैसा भी वैसा भी आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा. यदि आपको आपके माँ बाप बोझ लगते हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम बाद बोझ बन जाएंगे. तो ऐसे ही हमें पेट को भी फैमिली सदस्य की तरह रखना है. तो ये कुछ क्वेश्चनेयर है जो हम पूछते हैं लोगों से, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए कि आपको एक पेट क्यों चाहिए, एक दोस्त की तरह, या एक दोस्त आपके लिए नहीं, एक दोस्त आपके ऑलरेडी कोई पेट है उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए. जैसे आप उसको चौकीदारी समझते हैं, यू नो, आप उसे वॉच गार्ड समझते हैं, वॉचमैन समझते हैं, या आपको वो गिफ्ट लगता है, या कोई सरप्राइज गिफ्ट लगता है, या आपको कोई रिप्लेसमेंट पेट, यानी कि आपका एक पहले एक पेट था, उसकी डेथ हो गई और आप एक और पेट लेना चाहते हैं, या आपको शो ऑफ करना है ब्रीड, या आप आगे उस बच्चे को सेल करोगे, या आप हंटिंग में यूज़ करोगे ना, हंटिंग एंड एनिमल स्पोर्ट्स में. दूसरा, आपके घर में कितने सदस्य हैं, और क्या वो सारे सदस्य, जो भी उनकी उम्र है, क्या वो सब के सब उससे सहमति रखते हैं उस पेट के आने से. मतलब आपने सबसे राय ले ली है ना, जैसे अरेंज मैरिज लव मैरिज में होता है ऐसे ही. और आप अपनी नॉलेज अबाउट द पेट क्या समझते हैं, मतलब आप जैसे आपको ह्यूमन चाइल्ड पेरेंटिंग भी सीखनी पड़ती है ना, कि बच्चा रो रहा है तो उसका ये मतलब है, खाना मांग रहा है, या डायपर चेंज करना है, या चोट लगी है, यू नो. सेम वे एनिमल्स भी बोलते हैं, तो आपको उनकी भाषा भी समझनी पड़ती है. तो वो आपको उसके लिए बुक्स पढ़िए, या आपको हम लिंक्स दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेक कीजिए. और आप कितने टाइम से वो बच्चा ढूंढ रहे हैं, जैसे होता ना कि मैं वी आर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड फॉर सो एंड सो मंथ, तो आप ऐसे ही कितने टाइम से एक पेट ढूंढ रहे हैं, और आपने उस पेट के आने के लिए क्या तैयारियां की है. जैसे अपने घर को हम बेबी प्रूफ करते हैं ना, ताकि बच्चा कोई भी चीज़ अपने मुंह में ना रख ले, तो आपने घर को भी क्या अपना बेबी प्रूफ किया है, क्या ऑलरेडी कोई पेट है आपके हिसाब से, क्या वो पेट उस नए आने वाले पेट के साथ फ्रेंडली हो पाएगा, और आपके पास ऑलरेडी जो पेट है क्या वो स्पेड है, न्यूटर है, मतलब उसकी नसबंदी की गई है, स्टेरलाइज्ड है, एनिमल बर्थ कंट्रोल किया गया है उसका, क्या आपको पुराना कोई एक्सपीरियंस था पेट का. सी दीज, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जागरूक करेगा कि क्या आप जिम्मेदारी लेने के लिए राजी हैं या नहीं. क्या आपने कभी कोई डॉग पहले या कोई पेट कभी पहले खोया है, या किसी की उसकी डेथ हुई है. तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी चाहिए. अगर डेथ हुई थी तो कैसे हुई थी, आपने कहीं छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था, ओल्ड एज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, नेचुरल कॉजेज थे, या अभी भी वो अलाइव है. ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना चाहिए. आपको ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि आपका पेट आपसे कितनी दूर है, कितनी पास है, क्या उसके टाइमिंग्स हैं, और कौन कौन से पेट्स वो चेक करते हैं, और आप उस डॉग के साथ या उस कैट या उस जो भी आप पेट ला रहे हैं घर में, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, या आप उसको कहीं बांध के रखेंगे. मतलब यू नीड टू स्पेंड टाइम विद हिम, विद हिम और हर. तो अंदर टाइम स्पेंड करेंगे, बाहर करेंगे, आपके पास वरांडा है, पार्क है, या घर के पास पार्क है, या एडजॉइनिंग पार्क है,
या आप कैसे मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, या सारे टाइम उसको यू नो कहीं बांध के रखेंगे, टॉर्चर करेंगे? और आपका पेट भी कहाँ रहेगा? कई लोग उसको बड़ा मिस्ट्रीट करके बाहर बांध के रखते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, बरसातों में, तो क्या आप वैसे करने वाले हैं? क्या आपके पास यार्ड है? अगेन मैंने आपको बताया ना, आप घर में सारी चीज़ें चेक कीजिए। सी देखिए, सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको सोचने में मजबूर करेगा कि कोई शौक नहीं है, प्रॉपर जिम्मेदारी होती है, ये कोई खिलौना नहीं है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या आप घर पर नहीं रहते हैं, तो कितना टाइम नहीं रहते हैं उस बीच उसका कौन होगा ध्यान रखने वाला, उसका सुसु पोटी कौन करेगा, उसका खाना पानी कैसे होएगा, उसको वॉक पे कौन ले जाएगा? अगेन अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जिम्मेदारी भी होगी साथ में। फिर कितने लोग उस बच्चे के लिए मतलब उस पेट के लिए जिम्मेदारी लेंगे? मान लो सिर्फ आपकी मर्जी है और आप ही पे सारी जिम्मेदारी, और आप बीमार पड़ गए तो उसका ध्यान कौन रखेगा? आपको ऑफिस जाना है, टूर पे जाना है, कहीं जाना है, तो उसका ध्यान कौन रखेगा? घर पे या आपके अलावा घर पे कोई और भी है उसका ध्यान रखने वाला? इसलिए घर के सारे लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो हाउ मैनी पीपल आर रेडी टू टेक केयर ऑफ दी पेट लाइक अ फैमिली पर्सन? और फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो, मतलब आप सोच रहे हो कि भाई यार ये तो एडिट खर्चा हो गया, तो फिर आपको ये सोच समझ के करना चाहिए कितना आपकी यू नो सेविंग्स है, कितना आपकी इनकम है, कितनी आपकी ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ है, आप कहाँ रहते हैं, लाइक आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आपका जो हाउस है अगेन आप किराए पे है या अपना है, आप सिंगल अपार्टमेंट में रहते हैं या ड्यूप्लेक्स है, या आप यू नो किसी सोसाइटी में रहते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और उस घर पे भी आप कितने टाइम से रह रहे हैं, आपकी आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? कल को कोई मान लीजिए कोई आपको तंग करे या बोले कि नहीं यहाँ नहीं, ये नहीं कराइए, आप इसे सुपोर्ट मत कराइए, यहाँ इसको घुमाइए नहीं, यहाँ इसको खाना मत दीजिए, यहाँ बाकी स्ट्रे होमलेस एनिमल्स हैं, लाइक दिस ऑल दीज थिंग्स डिपेंड, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि आपको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। जैसे घर में बहू आती है, घर में बेटी आती है, घर में दामाद आता है, आप उसको एडजस्ट करते हैं, ऐसे ही आप उसको एडजस्ट कराएंगे। अब आ गया है घर में तो उसका पूरा टाइम ध्यान रखेंगे, और नहीं रख सकते हैं तो आप नियर बाय शेल्टर या नियर बाय वॉलंटियर को कॉन्टैक्ट करके उस बच्चे को एक दूसरा घर दिलाएं, कहीं दो धड़ ना छोड़ें। देखिए कोरोना वायरस से हमने ये तो चीज़ सीखी ही है ना कि लाइफ इज़ बहुत अनप्रडिक्टेबल, और जैसे आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपको दुख होता है, सुख होता है, पेन होता है, ऐसे उनको भी इमोशंस होते हैं, वो भी रोते हैं, दे ऑल्सो मिस देयर फैमिली, दे ऑल्सो हैव इमोशंस। तो कृपा करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अडॉप्ट करें, बाय नहीं करें पपी स्टोर्स, यू नो पेट स्टोर्स, पपी मिल्स से, ब्रीडर्स से, क्योंकि ये बहुत ही गलत काम है। आप ना सिर्फ रेप एंड प्रोस्टिट्यूशन ऑफ एन एनिमल, जैसे डॉग है, डॉग का आप वो एनकरेज कर रहे हैं, अब साथ ही साथ जो नैतिक जिम्मेदारी है उससे भी दूर भाग रहे हैं कि जो बेसहारा बेघर जानवर है आप उनको घर नहीं दे रहे हैं। और ब्रीडर क्या करेगा, एक बच्चा पैदा करेगा एक माँ से, फिर उसको बेचेगा, फिर से उसको माँ को जब उससे प्रेगनेंट करेगा, रेप करेगा, फिर से आगे बच्चे बेचेगा। सो यू आर एनकरेजिंग रॉन्ग प्रैक्टिस। वैसे भी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इंडी देसी डॉग्स, अगर मैं पर्टिकुलर डॉग की बात करूँ, कैट की बात करूँ, तो यहाँ के जो नॉर्मल इन ब्रीड्स हमारी हैं देसी इंडियन, ये ही बेस्ट होती हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस होती है और यहाँ के क्लाइमेट से इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। अब ज़्यादा फर वाला एनिमल का बच्चा लाते हैं आप, जैसे हस्की या कुछ ले आए आप, उसको यहाँ कोई वो तो पढ़ नहीं रही है स्नो, तो उसको सारा टाइम एसी चाहिए, फ़ैन चाहिए, कूलर चाहिए, सो आप उसको भी परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए।